गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज आउटफिट ऑफ द डे। ये टेम्पररी आउटफिट है क्योंकि आज हम जा रहे हैं अटलांटिस द पाम, जिसके लिए काफी टाइम से हमारी वेट हो रही थी और आज है हमारी वहां पे बुकिंग। द फुल डे वी आर गोइंग टू स्पेंड देयर, वी आर गोइंग टू डू द एक्वा एडवेंचर पार्क, लोस चैम्बर एंड प्ले विद डॉल्फिन, डिप एंड प्ले विद डॉल्फिन, जो मेरी सबसे एक बकेट लिस्ट में था एंड उसी के साथ हमने सोचा कि बाकी चीजें भी कवर कर लेते हैं। एंड नाउ वी आर गोइंग फॉर अ ब्रेकफास्ट एंड उसके बाद हम लोग निकलते हैं अटलांटिस। वी हैव आलू पराठा, मसाला ओट्स, दाल खिचड़ी, मालाबार पराठा। अरे इधर ज़्यादा ये ऑप्शन है वेजिटेरियन की, उधर से द व्यू ऑफ द सिटी एंड विद द ब्रेकफास्ट, पोहा पराठा, सम नॉर्मल पराठा, फ्रूट्स एंड दिस इज मसाला ओट्स। सौरभ उधर से आ रहा है, हाउ इज द फूड सौरभ? आलू पराठा कैसा होना चाहिए? दुबई में फूड की प्रॉब्लम नहीं है, लाइक एवरीथिंग यू गेट इंडियन, लाइक कोई टेंशन ही नहीं है यहाँ पे। और व्यू कैसा लग रहा है? अमेजिंग, अच्छा है, पर जहाँ जाएंगे ना वाह। आ गए हैं सुबह सुबह दुबई मॉल की साइड में क्योंकि हमें अपनी गाड़ी करनी है पिकअप। एक्चुअली यहाँ पे ना इन्होंने सब लिखा भी हुआ है, आइस रिंग करनी है, दुबई एक्वेरियम करना है, तो आपको उस डायरेक्शन के बारे में बताया गया है। फिलहाल अभी हम दुबई मॉल की तरफ जा रहे हैं, हमें ढूंढना है अपना गाड़ी वाला लोकेशन। मॉर्निंग का टाइम है तो इतनी भीड़ नहीं है, शाम के टाइम जहाँ बहुत भीड़ हो जाती है, एंड ऑफकोर्स इट्स वीक डे तो ज़्यादा भीड़ नहीं लग रही, बट दुनिया की हर एक ब्रांड यहाँ पे आपको मिलेगी। मिला हमें एक मार्केट बनाई हुई इन्होंने, दिस इज कॉल्ड सूख, सोने की ज्वेलरी शॉप जैसा है। यहाँ पे तुम आके लास्ट डे पे देख सकते हो अगर तुमको गोल्ड सूख में कुछ इंटरेस्ट है। दुबई आइस रिंग, ये लंदन में बहुत किया हुआ है, छोटे छोटे बच्चे कर रहे हैं। चलो भाई चलो, चलिए यार, छोटा बच्चा बन जाते हैं, गाड़ी भी करनी है। अभी तो मुझे को डॉल्फिन करना है। हाँ चलो, बड़ा कुछ करना है यहाँ पर। चलो चलो चलो। ओ जी, ये आगे इसका फेवरेट प्लेस, क्योंकि यहाँ पे फोटो खींचने वाली है, पता ही है, पहले मेरी फोटो बनाओ, फिर रील बनाओ, फिर भी यूट्यूब वीडियो भी बनाओ, फिर सब कुछ करो। क्या बना दिया है, क्या क्या चीजें बना दी है? सही बात है, करिश्मा जंप मार फिर उतरा के पता लग गए एक बार। ऐसे ऐसे जम मारो, ठीक है जी, ऐसे जम के लेवल वन, यहाँ लेवल टू की पार्किंग है। हमारी जो कार पार्क है ना वो है सिनेमा पार्किंग के पास, तो ढूंढ रहे हैं पिछले आधे घंटे से, बस ढूंढ ही रहे हैं गाड़ी मिल, गाड़ी का स्टेशन ही नहीं मिल रहा, कहाँ जाना। तो हमने ये थ्रिफ्टी से कार रेंट किया था और अभी अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह दे दिए हैं। यहाँ पे है इनका बोर्ड, रिजर्व पार्किंग फॉर थ्रिफ्टी कार रेंट। विच वन इज यान, दिस वन बी वन इज कार विच वी रेंटेड दुबई X32291 एंड अच्छी आ रहा है। हाँ वही कर रही हूँ, बाहर में पता चले। तो अभी सौरभ सेटिंग समझ रहा है क्योंकि ये अपना गाड़ी जो है अपनी राइट की जगह लेफ्ट हैंड पे है, am I correct? और अभी इसको यूएसए वाली अपनी कहते ना अंतरात्मा बाहर निकालनी पड़ेगी क्योंकि यूएसए में भी इसने 9 महीने तक ड्राइव किया है। अभी वो बताते हैं कुछ तो। So finally we are entering Atlantis the Palm. Yuppie! हम हैं अटलांटिस के बिल्कुल बाहर और सही है यार, कलरफुल सा थीम है, बढ़िया बनाया हुआ है, जितना मतलब फोटोज में लगता है ना पास आके कुछ अजीब अलग ही लग रहा है। अटलांटिस की कार पार्किंग में कार लगाई है अपनी और अभी हम शटल बस लेके सीधा एक्वावेंचर की तरफ जा रहे हैं, वहाँ पे हमारा एक्टिविटी प्लान है पूरा। एक्वावेंचर क्रॉसिंग द एक्वावेंचर एंड गोइंग टू डॉल्फिन। भाई ये पार्क है भूल भुलैया है, ये स्लाइड से इतनी सारी, पानी भी बहुत साफ है, ये देखना इधर से आ रही है। चलो फिर जब आके वापस आएंगे छोड़े
चलो चलो करो। ताकि स्माइल है इसके फेस पे। जैसे ही पहुंच गए ना अभी वाटर पार्क पे, थोड़ी देर का बस वेट है डॉल्फिन, वो इनके पास जाके पता लगेगा। या तो पैदल चलो या तो फिर वो गोल्फ कार्ट में बैठ के जा सकते। इधर से बना हुआ है, लोग इधर से मस्ती करते हुए जा रहे हैं। भाई इतना बड़ा ये सब ना है, पूरा बनाया हुआ है, पूरा अपना इनका व्हाइट बीच है। बहुत चलना पड़ रहा है यार, ये पूरा अपना इनका राइड्स बनी हुई है, काफी बड़ा है। इसमें पूरा आपको एक दिन चाहिए अगर आपको एक्सप्लोर करना है। पसीने आ रहे हैं। तब इतनी कलीज बंद कर चुका हूं ना, मैं कुछ भी खा सकता हूं। विलेज पहुंच गए हैं। थैंक यू बग्गी राइड। हाफ एन आवर का राइड था, गोल्फ कार थी। इतना बड़ा है ये, घूम जाए इसमें तो एक या दो दिन ही चाहिए होंगे घूमने। एरिया में वेट कर रहे हैं अपनी टर्न के लिए। वी आर एट द डॉल्फिन बे एरिया, एवरीबॉडी इज रेडी, ऑल ऑफ इज रेडी। दिस इज सो क्लियर, इट्स नॉर्मल। क्या करना रिचा के, तो बाल खोल दो या फिर रबड़ बांधो, रबड़ है नहीं। तो अभी सबसे पहले सौरभ जा रहा है, फिर मैं जाती हूँ बाद में। Amazing experience. Once in a lifetime experience. Once in a lifetime. और dolphins के साथ dip and play करना आता ही है। And they are the trained dolphins, तो बहुत मजा आया। मेरी bucket list में हमेशा से था and finally I did it। और हमने अपनी bucket list में ऐसे जोड़ लिया। Picture लिए हमने, कितने की है? 3,000 रुपए की इंडियन करेंसी में, मतलब चली की है, 30 pound की ली हमने। बोल रहे थे अगर पूरा सेट लेना है तो 1,000 कितना 1,000 दिनार देना पड़ेगा। तो हमने सोचा नहीं आने दो, हम 1,000 दिनार में नहीं, हम 1,000 दिनार में जाके कहीं अच्छा डिनर करके आएंगे। फोटो दिखाओ। सो दिस इज आवर पिक्चर। अरे हमारे पास थोड़ी बहुत अपनी सॉफ्ट कॉपीज पड़ी हुई है, फोन पे भी खींची है। तो अभी हमें जा रहे हैं एक्वावेंचर की ओर। गाड़ी हमने डॉल्फिन खत्म किया है और स्टारबक्स में बैठ गए हैं। नहीं नहीं, इट्स ओके हियर। वाओ दिस इज नाइस। स्पिनच और चीज़, तो कॉफी ला दो प्लीज यार। गाइस अभी ये वाली राइड की है, ट्राइडेंट स्प्लैश पैड। हां मुझे पता है, मैंने पहले कर दी थी, पर बंदे ने बोला आप बहुत अच्छा लगेगा, आप करो करो। ऐसे ऊपर से अटलांटिस का क्या व्यू दिखता है भाई। ये वाली राइड की थी हमने, वो क्या है, वो बच्चों वाली लग रही है। सही है, बच्चों वाली भी है वो। नहीं हमें वो दूसरी वाली करनी है जो अभी निकल के गए ये बड़े वाले से। या तो ये करते हैं या ऑडिशन ऑफ कैरल करते हैं। वो क्या है ऑडिशन ऑफ कैरल, वो देख पहले ऐसे ऐसे जाएगा घूम के। हाँ वो पहले देख किसी को के ये करनी है तुम्हें। यार देख लो क्या है इधर, व्यू कवर कर लो पहले। ये रहा है पूरा अटलांटिस का व्यू। तो अभी हम फिर से एक और राइड करने आ गए हैं, वो फीट हुआ के निकल रहे इतना वो है। यहाँ से पूरा नीचे जाएंगे एंड गोइंग टू बी अमेजिंग। ओ गए आगे आगे आगे। तो अभी टेरर करके आए हैं, ओडेसी ऑफ टेरर। हाँ बोर्ड से निकल के बाहर उछल के। हेलो पानी में एंजॉय कर रहे हैं। तो ऊपर शार्क, शार्क ऊपर चल रही है और हम शी सेल और शार्क हैं और एक्वा चैम्बर लॉस्ट चैम्बर के अंदर है। पीछे से कोई बोट आएगी तभी चलेगा आगे। चलो चलो
ये बच्चों के लिए है। तो तुम क्यों कह रहे हो? ओल्ड एडवेंचर। अभी हम आ गए हैं अटलांटिस के प्राइवेट बीच में। यहाँ आप आ सकते हो, चिल कर सकते हो बीच साइड में। अभी थोड़ी धूप कम हो गई है तो लोग भी आना शुरू हो गए हैं। तो वही पाम का नज़ारा ले लीजिए इधर से। ये मुझे वो उसकी फीलिंग नहीं, मियामी की है ना, इधर से मेरे फीलिंग लाइक था मियामी। मैंने और सर हमने प्लान किया है कि हम ना सुबह से इधर ही खा रहे हैं कुछ कुछ, तो सोच रहे हैं कि पॉइंट करके एक जगह है जो हमारे उसने बताई थी एजर ने, वहाँ से अटलांटिस का व्यू बहुत अच्छा दिखता है, तो हम वहाँ जाके कुछ खा के आए डिनर। क्या बोलते हो सौरभ? प्लान अच्छा है, चले। सो इट्स टाइम टू से बाय टू अटलांटिस द पाम। वी हैड अ ग्रेट डे, सुबह से शाम तक पूरी मस्ती की एंड नाउ वी आर ऑफ टू डिनर। तो पॉइंट के यहाँ पे तो ये फाउंटेन शो शुरू हो रहा है, इधर भी इन्होंने फाउंटेन शो कर दिया है। ये भी कितनी देर तक चलता है? पूरा एरिया ने नया डेवलप किया है तो लोगों को इसके बारे में इतना आइडिया नहीं है, तभी आप देखो भीड़ भी कम है और वीक डेज की वजह से। अभी मैं और सौरभ सोच रहे हैं कि कहीं तो बैठ के कुछ खा लें, बिकॉज हमें लग रही है भूख। और अभी ये जो फाउंटेन शो है आधे घंटे बाद फिर से होगा। लेट्स सी कि हम लोग क्या खाने वाले हैं। अभी चलते चलते हम लोग आगे दूसरे कोने में। सब जगह से व्यू अच्छा है अटलांटिस। इन्होंने एक्चुअली ना पूरा क्रिएट कर दिया है कि दुनिया को कहीं भी चैन से नहीं जाने देना, हर जगह पे लाइटें लगा दो ताकि लोग अट्रैक्ट होते जाएं। लोग फाउंटेन हर जगह पे चला दो। वही वालों की सही है, ये दिमाग है। आज हमने स्टारबक्स को, हाँ स्टारबक्स को प्यार कर। ओहो क्या बात है सौरभ, इधर आओ तुम्हारी एक पिक्चर लूँ। बढ़िया सी व्यू तो पीछे है। तो ये यहाँ पर फाउंटेन शो हो रहा है जो कि है द पॉइंट दुबई के अंदर, और नीचा तो बड़ा मजा कर, बहुत मजा आ रहा है। हमने इतनी ज्यादा दुबई की सड़कें घूम ली है सौरभ कि अब ना सेम सी लगने लग गई है सड़कें सारी। 50 बार इस रोड से निकल चुके हैं। राइट राइट राइट। और अभी ऐसा लग रहा है कि अरे हाँ ये तो जानी पहचानी सी रोड है, ये तो आज हमने अभी देखी थी थोड़ी देर पहले। हुआ तो 10 किलोमीटर का मिनिमम वापस आपको घुमा के लेके आना ही पड़ेगा। 10 मिनट का तो एक्स्ट्रा ऐड हो गया एक गलत एग्जिट पॉइंट पे, वो तो है ही। और दूसरा लंदन में भी ऐसे ही होता है, लेकिन वहाँ पे एटलीस्ट 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर एक्स्ट्रा आता है। तो एक चीज मैंने नोटिस की है कि यहाँ पे करीना कपूर की फोटो बहुत ज्यादा लगी हुई है, क्योंकि ये मालाबार वालों की ब्रांड एम्बेसडर है। और यहाँ पे साइड में अगर आप देखो, दिस इज म्यूजियम ऑफ फ्यूचर। अभी इसमें कौन सा फ्यूचर दिखाएंगे वो हमें पता नहीं है। रूम में जाएंगे, सामान रखेंगे एंड देन विल मूव टू स्काई गार्डन। आज हमने पूरा मजे लेने हैं पानी के जितने हो सकते हैं। यार अटलांटिस से आने के बाद मुंह में ग्लो आ गया लगता है, थोड़ा सा वाइट वाइट हो गया वो, मेरा टैन नहीं हुआ, टैन नहीं हुआ, वाइट हो गया। पता लगेगा सही है ना। आज तो सौरभ बस नजारे देखने को मिल रहे हैं टॉप रूफ से व्यू, और वो है दुबई फ्रेम। दुबई फ्रेम अगर हाँ, आपको दिख रहा हो। हाँ हाँ दिख रहा है। ये कौन सी बिल्डिंग दिख रही है? कोई तो बिल्डिंग पता नहीं, बिल्डिंग से बिल्डिंग है यार। जुगनेपा दिख रहा है सारा। हाँ वो तो है। किसी का मतलब पूरा 360 डिग्री व्यू दिख रहा है। हाँ। उसके साथ हम लोग एंजॉय कर रहे हैं अपना स्विमिंग अभी थोड़ा गर्म पानी में। आगे हैं और सौरभ ने आते ही यहाँ की फेमस बिरयानी वाला .co की प्राइड ऑफ हैदराबाद की जो है बिरयानी ऑर्डर की है। दिखाना यार कलर वलर तो बढ़िया यार बनाया हुआ है, ब्लैक एंड व्हाइट। ओहो शक्ल तो बहुत बढ़िया लग रही है, दो जनों के हिसाब से तो काफी अच्छी है, क्योंकि हम थोड़ा बहुत एक्चुअली ये हमारी ना मिडनाइट क्रेविंग है, 12 बज चुके हैं, हम ऑलरेडी खा के भी आए थे, फिर मेरे को तो चलो इस एरिया की एक फेमस बिरयानी भी ट्राई कर ले। एक तो इसको मोमोज ही पसंद आया, मैंने कहा बस कर यार। कितने किसी ने तेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज किया है कि यहाँ के 11 मोमोज है जो सबसे बढ़िया, उसको खाओ जाके ट्राई करो, तुम्हारा बिल्कुल बैक साइड में है, मुझे पता लगा।
बड़े बड़े लोग मैसेज कर रहे हैं और व्यू भी काफी बढ़िया चल रहा है अभी। तो हम लोग ना करते इंजॉय बिरयानी और आप लोगों को बोलते हैं बाय, टेक केयर एंड मिलते हैं हमारी कल की वीडियो में। कल हम जा रहे हैं हमारे साथ एंड फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एंड कल हम जा रहे हैं अबू धाबी। सी यू एट अदर साइड।